हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। भविष्य में हरियाणा, उसकी प्रगति और उसके मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए आज बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। फरीदाबाद कन्वेंशन सेंटर। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात हम करेंगे, जो कि है फरीदाबाद में बनने वाला एक कन्वेंशन सेंटर। आने वाले समय में फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है, जो कि हरियाणा का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी होगा। साल 2019 में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है और बनने के बाद यह शायद नॉर्थ इंडिया का भी सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग, कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रीज की मीटिंग और फिल्म फेस्टिवल जैसी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाएगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली के विज्ञान भवन के मुकाबले भी यह सेंटर बहुत बड़ा होगा, जहाँ पर मुख्यतः 3 हॉल्स बनाए जाएंगे, जिसमें एक बारी में करीबन 4,000 लोगों के आसपास की कैपेसिटी होगी। कन्वेंशन सेंटर को ग्रेटर फरीदाबाद में इस जगह बनाया जाएगा, जहां से उसकी नेशनल हाईवे और मेट्रो रेल से काफी अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी। एक बहुत बड़े फूड कोर्ट के साथ साथ इसमें एक डबल लेवल बेसमेंट पार्किंग भी बनाई जाएगी, जहां एक बारी में 1200 से 2400 तक गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। सेंटर की एक और बेहतरीन चीज ये है कि इसे ग्रीन कॉन्सेप्ट पर बनाया जा रहा है, यानी यह बिल्डिंग दिन में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगी, ग्रीन हाउसेस का कम से कम एमिशन करेगी और साथ ही इसमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, या जिसे नेशनल हाईवे 152D के नाम से भी जाना जाता है, ये एक 230 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जो कि इस वक्त भारतीय स्टेट हरियाणा में बन रहा है। करीबन 5108 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिसमें करीबन 122 ब्रिजेस और अंडरपास हो सकते हैं। 1,36,000 पेड़ों को इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लगाया जाएगा, जिसका डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतमाला परियोजना के तहत कर रही है। जानकारी के अनुसार प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये करीबन 2000 नई नौकरियां जनरेट करेगा, जिसमें आने वाले समय में हरियाणा के लोगों के साथ साथ काफी और लोगों को भी यह हाईवे सुविधाएं देगा, क्योंकि इसे कई नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज से भी कनेक्ट किया जाएगा। कुरुक्षेत्र, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी जैसे कई डिस्ट्रिक्ट से यह एक्सप्रेसवे होता हुआ जाएगा। जिसमें बात करें थोड़ी सी अपडेट की, तो साल 2018 में इसके लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और इस वक्त ये हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आने वाले कुछ ही समय में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। एम्स रेवाड़ी। तो अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है एम्स। तो एम्स के बारे में लगभग हर कोई जानता होगा, जो कि भारत के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस माने जाते हैं। इस वक्त भारत में काफी जगहों पर पहले से ही कई सारे एम्स ऑपरेशनल हैं और इसी कड़ी में साल 2019 में 1 फरवरी को पीयूष गोयल के द्वारा बजट पेश करते वक्त उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी एक एम्स का अनाउंसमेंट किया था। वैसे इस वक्त भारत में पहले से ही कुछ जगहों पर एम्स का काम चल रहा है, जिस वजह से रेवाड़ी के एम्स को 8वें फेज में डाला गया है। इस फेज से आप ये समझ लीजिए कि हर एक फेज में कुछ एम्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 2003 में भारतीय गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में पिछले साल नवंबर दिसंबर में कुछ अपडेट्स आ रहे थे, जिनके अनुसार लैंड एक्विजिशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत इस प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा था। कुछ समय पहले सेंटर की एक टीम ने उस एरिया का मुआयना किया था, जहां पर इस एम्स को बनाया जाना है, जिसके बाद उन्होंने उस लैंड को इस प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा उस लैंड के लिए करीबन 30 लाख पर एकड़ का रेट फिक्स किया गया था, जबकि वहां के गांव वाले उस जमीन को 50 लाख पर एकड़ के रेट पर बेचना चाहते थे, जिस वजह से उसके बाद रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एम्स प्रोजेक्ट के लिए कई अलग अलग साइट्स को देखना शुरू कर दिया था। तो खैर, अभी कुछ दिनों पहले का ही अपडेट है, जिसमें हरियाणा के कॉरपोरेशन मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जल्द ही इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रख देंगे और करीबन 2200 करोड़ रुपयों का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आ सकता है। तो देखते हैं कितनी जल्दी कितने अपडेट्स इस प्रोजेक्ट के लिए निकल कर आते हैं, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बनता है तो इससे वहाँ के आम लोगों के लिए, जिनके पास अभी इससे पहले हेल्थ की कोई बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, उनके लिए ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा होगा। हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हिसार एक पब्लिक एयरपोर्ट है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल हाईवे 10 के पास मौजूद इस एयरपोर्ट को
हरियाणा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ओन करता है। अगर आपको पता हो तो हिसार दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस जोन में आता है, जिस वजह से हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हिसार में एक एविएशन हब बनाना चाहती है, जिसके लिए वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। शुरुआत में हरियाणा सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट का प्रपोजल फॉरवर्ड किया था, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए कुछ अप्रूवल्स जैसे साइट क्लियरेंस वगैरह चाहिए होता है, जिस वजह से एक एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट को ही अपग्रेड करने का प्रपोजल सेंट्रल को फॉरवर्ड किया गया। 2016 में ही फ्रॉस्ट एंड सलिवन ने फिजिबिलिटी स्टडी पूरी कर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके अनुसार वहां पर एक एविएशन हब बनना था, जिसमें एक तीन फेजेस में बनकर तैयार होने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल था। पहले फेज में एयरपोर्ट को गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम के तहत डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए अपग्रेड करना था। दूसरे फेज में रनवे को एक्सटेंड करना और मेंटेनेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना शामिल था। और तीसरे फेज में आखिरकार इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो पाती। बात करें अपडेट्स की तो शायद 2023 या 2024 तक आपको इस एयरपोर्ट से पहले इंटरनेशनल ऑपरेशंस शुरू होते हुए दिख सकते हैं। 1-4-6 करोड़ पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स। पिछले साल हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में हुए हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की एक मीटिंग में 4 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 1,246 करोड़ के कुछ स्पेशल पैकेजेस ऑफ इंसेंटिव्स को अप्रूव किया गया था। लगभग 4 बड़ी कंपनीज के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए इस स्पेशल पैकेज को समय अप्रूव किया गया था। प्रोजेक्ट में करीबन 30.06 करोड़ रुपए आरती ग्रीन टेक लिमिटेड के लिए अप्रूव किए गए हैं, 65.94 करोड़ रुपए अडानी विलमार लिमिटेड के लिए, 298.08 करोड़ रुपए वंडर सीमेंट लिमिटेड के लिए और 852 करोड़ रुपए एम्पिरिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लिए। हरियाणा चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट राज्य में लगने से इन्वेस्टमेंट तो राज्य में आएगा ही, साथ ही ये यूथ के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज खोलेगा और स्टेट की इकोनॉमी को भी अपने साथ आगे लेकर जाएगा। बात करें प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल्स की तो अयानी विलमार लिमिटेड द्वारा इसके तहत सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक एग्रो और फूड प्रोसेसिंग की नई यूनिट लगाई जाएगी, जिसमें एक राइस मिल और राइस ब्रायन ऑयल रिफाइनरी यूनिट होगा। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 70 एकड़ की जमीन में लगाया जाएगा, जिसमें आने वाले समय में कुछ लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरे प्रोजेक्ट में आरती ग्रीन टेक लिमिटेड रोहतक में 10 एकड़ की जमीन में एक स्टील स्क्रैप प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी। तीसरे प्रोजेक्ट में वंडर सीमेंट लिमिटेड 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ झाझर डिस्ट्रिक्ट में 50 एकड़ की जमीन पे एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को स्थापित करेगी। और आखिरी प्रोजेक्ट में एम्परिस टेक्नोलॉजी गुरुग्राम में 180 एकड़ की जमीन पे रिचार्जेबल लिथियम आयन सेल्स और बैटरीज की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेगी। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को ठीक से एग्जीक्यूट किया जाता है तो सब मिलाकर एक ठीक ठाक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट हरियाणा के लोगों को दे सकता है। स्मार्ट सिटी हरियाणा। तो अब अगर आखिरी प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है फरीदाबाद स्मार्ट सिटी। ये तो आपको पता ही होगा कि 100 स्मार्ट सिटीज के लिस्ट में फरीदाबाद को भी चुना गया था, जिसमें भी स्मार्ट सिटी के तहत इस वक्त काम हो रहा है। सरकार के अनुसार कुछ समय पहले करवाए गए सर्वे में फरीदाबाद की जनता ने ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा फीडबैक दिया था। ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट में वहां की जनता इस वक्त सबसे ज्यादा सुधार चाहती है, जिसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ग्रीन एरियाज, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ सिटी, ई गवर्नेंस, हेल्थ फैसिलिटीज, आईटी कनेक्टिविटी, टूरिज्म जैसी कई सारी चीजें हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की गोल की बात करें तो रोड के कंजेशन को कम करना, एक कनेक्टेड, एक्सेसिबल और सेफ सिटी, स्मार्ट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इको फ्रेंडली मोबिलिटी को प्रमोट करना, ये सब इसके तहत रखा गया है। काफी सारे टेंडर्स इस वक्त स्मार्ट सिटी के तहत पूरे कर दिए गए हैं, साथ ही उनके ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त भी काफी सारे टेंडर्स पर काम चल रहा है। यानी आने वाले समय में आपको फरीदाबाद और बेहतर तरीके से काम करते हुए दिख सकता है, जिसमें अभी भी पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं कुछ सुधार तो जरूर देखने को मिल रहा है। तो बस अभी हरियाणा के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले कौन से स्टेट के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।